हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक, ऑलरेडी हम लोग कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोग प्रीवियस लिंक पे जाके टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा। और अभी तक हम लोग जो जो कवर किए हैं, सबसे पहले डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेनियल सेल। सेकेंड वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शी का वर्किंग एंड सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल, फुल सेल, ये सब कम्प्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन। तो आइए चलिए, मैं हूँ रिचा सिंघानिया और आपके बहुत अच्छा सा चैनल रिचा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मोस्ट वेलकम। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन तो हम लोग देखेंगे, नर्स्ड इक्वेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, नर्स्ड इक्वेशन का कैसे वर्किंग, मतलब फॉर्मूला कैसे हम लोग पुट करके क्या चीज निकालने का कोशिश कर रहे हैं, नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड ऑल थिंग्स। तो नर्स्ड इक्वेशन हेडिंग दे दीजिए, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं इसीलिए बिकॉज आप लोगों का मान लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, जब ये चीज स्टैंडर्ड थी, स्टैंडर्ड यानी टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, when all the things were standard, you tell that E naught cell, like standard cell potential या फिर standard electrode potential जो हम लोग निकालते थे। लेकिन अगर क्या temperature ये ना रहे, pressure standard ना रहे, concentration standard ना रहे, तो how we are going to calculate the electrode potential, that is cell potential, तब कैसे calculate होगा? तो जब standard नहीं रहेगा then we are going to apply some equation, that is Nernst equation। तो Nernst equation is for when the temperature, pressure, concentration are anything of the electrode, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको start करते हैं, Nernst equation कैसे start होगा? Let's start। Generally concentration तो कुछ अलग हो ही सकता है, तो concentration अगर अलग होगा तो क्या होगा? Concentration पर तो depend करता है electrode potential, concentration यानी जो हम लोग मेटल के नीचे जो मेटल आयन का जो सोल्यूशन लिए हैं, राइट, आयन का जो सोल्यूशन लिए हैं डेनियल सेल में, जो आयन सोल्यूशन के भीतर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बदल दूं, कभी 0.1 मोलर, कभी 0.01 मोलर, तो सब टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी। तो उस टाइम हम लोग यूज करेंगे नर्स्ड इक्वेशन की, कभी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, कभी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गोइंग टू चेंज, नॉट एवरी टाइम द वैल्यू विल रिमेन सेम। तब वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT by N log of log base 10 concentration of product by concentration of reactant। ये लिख लीजिए, इसको एक box कर दीजिए इस equation को, very important, very important। ठीक है, अब देखिए क्या क्या यूज करेंगे। ई सेल है, सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, ठीक है, जो निकालने जा रहे हैं कोई डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, जितना जो हम लोग अभी तक निकालते आ रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? ई नॉट सेल लिख लेते हैं, E naught cell is equals to कैसे निकाल रहे थे, E naught cathode minus E naught anode निकल रहे थे ना लास्ट टू लास्ट क्लास में, वो है E naught, कभी कभी ये गिवन रहेगा, नहीं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पुट करके निकालना पड़ेगा, E naught cathode minus E naught anode करके। 2.303 ये तो नॉर्मल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। R है गैस कॉन्स्टेंट, R क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ई सेल ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कुछ एनर्जी निकल रहा है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आर की वैल्यू हम लोग को 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स क्या लेंगे, 8.314। तो आर की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी है टेम्परेचर, किस में लेना है आपको टेम्परेचर, केल्विन में। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या लॉस्ट, गेन्ड या लॉस्ट, लूज्ड
लॉस ही कर दो, यानी मान लो दो इलेक्ट्रॉन लॉस है, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो दो होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एन दो होगा। अगर दो इक्वेशन को कंबाइन करते हो आप लोग, दो अलग अलग इक्वेशन है, मान लीजिए क्रोमियम का एक निकल का है, दोनों में मिला के आपका टोटल इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू भी समझाते हैं, आराम से समझाएंगे एन कैसे निकालोगे। लॉग पी बाई आर क्या है? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाई आर, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं, टू क्रोमियम टू प्लस गिविंग क्रोमियम, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो आप लोग का प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, प्रोडक्ट यानी क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्रोमियम टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्रोमियम टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर टू। टू द पावर टू कैसे आया? टू द पावर टू ऐसे आया, एक बार मिटा रहे, टू द पावर टू ऐसे आया, मान लीजिए ए टू ए गिविंग थ्री बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कैसे होगा? इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा बी टू द पावर थ्री ए टू द पावर टू। कैसे? ये कब किए थे याद करो तो, ये इक्वेशन ये कब किए थे हम लोग? कब किए थे? इक्विलिब्रियम चैप्टर में किए थे। इक्विलिब्रियम चैप्टर में के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, केसी कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, क्यू सी क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट, जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं है तो क्यू कब यूज करेंगे? वही सेम, तो इसको हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट, तो ये वही है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ये समझ आ गया, ये समझ में आ गया, ई नॉट से लग गया, ई से लग गया, अभी दो तीन सम करेंगे तो और समझ में आएगा। एन थोड़ा और समझा देते हैं, एन का क्या है? एन एन एक रिएक्शन लिख लीजिए, ये दो अलग अलग सेल है, एक क्रोमियम का एक एल्युमिनियम का, एक में दो इलेक्ट्रॉन एक में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग क्या किया हो? आपको कुछ याद होगा? यस, याद आ गया ना? क्या इन दोनों को बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए इससे मल्टीप्लाई थ्री करते थे, इससे मल्टीप्लाई टू करते थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन छह इलेक्ट्रॉन बन जाते थे, यानी ये तीन हो जाता था मल्टीप्लाई करने से, ये छह बन जाएगा, ये सामने थ्री आ जाएगा, और इसके साथ टू मल्टीप्लाई करोगे तो टू आएगा, टू आएगा और ये छह इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखिए बैलेंस हो गया। तो इधर एन लेंगे हम छह इलेक्ट्रॉन, तो छह एन इज सिक्स, तो व्हाट इज एन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या गेन, जितना भी ट्रांसफर हुआ, गेन या लॉस जो भी हो सकता है, ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम लोग। इक्वेशन लिख लीजिए फटाफट, और इस इक्वेशन का और इजी फॉर्मूला भी नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर चढ़ेगा जैसे अभी क्यूसी सिखाए थे। इसको एक और एक इजी फॉर्म, मान लीजिए आपका आर कांस्टेंट है 2.303 कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी बोल दे 298 केल्विन या 25 डिग्री, तो कितनी बार इंटू करोगे? ये से ये भी सेम चीज रहेगा, ये भी मैं अगर बार बार हर एक सम में बार बार ये चीज मल्टीप्लाई करूं तो गुस्सा आएगा ना कि एक एक बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे कि अच्छा दिस इंटू दिस इंटू दिस आंसर आता 0.0591, तो हम लोग यही वैल्यू बार बार यूज करेंगे, उसको नहीं यूज करके वी विल यूज दिस वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन 591 बाय एन लॉग ऑफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो दिस इज अनर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड सम्स, कि सम्स कैसे पुट होंगे इसमें। एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, दो सेल कंबाइन होगा तब भी बन सकता है ये, तो पहले एक सिंगल सेल का रिएक्शन करते हैं। सिंगल सेल का कैसे करना? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
when the cell is dipped in, when the electrode is dipped in, when the electrode is dipped in 0.1 molar solution of copper sulfate at 298 Kelvin. और साथ में ये भी लिख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, हाँ, एट 298 केल्विन, ये वाला लिख लीजिए, और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख लीजिए कॉपर की, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर लिख लीजिए, दिया हुआ है 0.34 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो चलिए इसका नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। सिंगल सेल है, एक दो सेल का मिक्सचर नहीं है, तो एक ही सेल है, एक ही सेल का दिया हुआ है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बताया अभी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ढूंढना है। तो कॉपर टू प्लस से कॉपर जा रहा है, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर टू प्लस कॉपर में मूव करेगा, तो कॉपर टू प्लस आयन है, तो कॉपर टू प्लस एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर मूव करेगा सॉलिड में, और कॉपर टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, मतलब कॉन्स्टेंट 1 मोलर, इलेक्ट्रोड का सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां पुट कर दीजिए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 0.34, ठीक है, माइनस 0.0591, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय एन, एन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो हुए, तो दो, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी कॉपर सॉलिड बाय कॉपर टू प्लस, तो पुट कर दीजिए कितना होगा 0.34 माइनस 0.0591 बाई टू लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड है 1, कॉपर टू प्लस है 0.1, ठीक है, 0.1 अगर ऊपर जाएगा तो लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ बाद में नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, जंप मत कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इजी है, कैलकुलेशन ही करना है, लॉग 10 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप वाला नेक्स्ट स्टेप कीजिए, हम ये क्वेश्चन में ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059 बाय टू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.34 माइनस, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.31045 वोल्ट। देखिए आंसर करेक्ट आ रहा है क्या, फिर नेक्स्ट सम के लिए मूव करते हैं, 0.31045 वोल्ट, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट सम लिखे था, अब टेक डबल के लिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, लिखिए सेल, मैं देख लेती हूँ सेल का, लिखिए ऑफ सेल, कुछ डिफरेंट लिखिए, कैडमियम का, चलिए ये लिखिए, ये बुक से पोटेंशियल ऑफ, टिक 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 टिक, हाँ
कैडमियम, कैडमियम 2 प्लस, निकल 2 प्लस, 2 मोलर सिंगल निकल। और कैडमियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.409 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर है 298 गिवन। ई नॉट सेल, ई नॉट कैडमियम 2 प्लस कैडमियम दिया हुआ है आप लोगों को -0.40 वोल्ट, और ई नॉट निकल 2 प्लस निकल आपको दिया हुआ है -0.25 वोल्ट। सारी चीजें हैं, अब आपको निकालना है ई सेल, तो ई सेल स्टार्ट कर दे निकालना। यानी सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको ई सेल निकालना। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनॉड। और याद कीजिए मैंने ये सिखाया था कि ये दोनों वैल्यू एसआरपी में होनी चाहिए, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है। और अगर नहीं हुई तो हमको चेंज करनी पड़ेगी, एसओपी से एसआरपी चेंज करेंगे। और एसओपी से एसआरपी कैसे रिलेटेड है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक माइनस से, एसओपी इज इक्वल्स टू माइनस एसआरपी। तो इसमें देखिए अब बिगर वैल्यू किसकी है, दोनों ही एसआरपी में, करेक्ट करेक्ट। अब बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, दिस इज बिगर वैल्यू, तो माइनस 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.40, ठीक है, माइनस 0.25 प्लस 0.40 यानी आएगा प्लस 0.15 वोल्ट। क्या आया, ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ ई नॉट सेल हम लोग जो निकालते हैं ऊपर लिख लेती हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम पड़ेगा, नहीं तो 0.15 वोल्ट ये हम लोग खुद से निकाले हैं, दिया हुआ नहीं है। क्यों हो गया, अब ई सेल की तरफ चलो। ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ये वाला आप लोगों का कैथोड है, ये एनोड है। तो कैथोड और एनोड के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इधर भी दो है इधर भी दो है, तो इलेक्ट्रॉन एन कितना होगा, एन भी सजा लीजिए, इधर भी कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन, इधर निकल 2 प्लस से निकल दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन दो हुए ना। बाय चांस मान लीजिए इधर कैडमियम 3 प्लस होता तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते, कैडमियम कैडमियम 3 प्लस होता तो क्या होता, इधर तीन इधर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता। जस्ट थोड़ी देर पहले समझाए कि दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो कैडमी इधर भी दो इलेक्ट्रॉन इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एन मेरा दो ही आएगा, ये वाला इजी वाला केस है। तो ई सेल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में आप फिर कंफ्यूज होंगे कौन है प्रोडक्ट कौन है रिएक्टेंट, तो बेहतर है आप लोग अपना हाफ सेल और फुल सेल बना लीजिए। तो हाफ सेल और फुल सेल कैसे बनाएंगे, ये आपका ऑक्सीडेशन, ये आपका रिडक्शन, एड दिस हो गया सॉलिड सॉलिड एक्वस, क्लियर है, हो गया। तो अब यानी प्रोडक्ट में ये आ रहे हैं रिएक्टेंट में ये आ रहे हैं। अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कैडमियम 2 प्लस का दिया हुआ है 0.409 दिया हुआ है, और निकल 2 प्लस का कितना दिया हुआ है 2 मोलर, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना था कॉन्स्टेंट 1 मोलर, इसका कितना था 1 मोलर, छोड़ दीजिए पकड़ना ही नहीं है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी दिस बाय दिस, दिस बाय दिस यानी कैडमियम 2 प्लस इंटू निकल सॉलिड डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, दिस बाय दिस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हुआ। लेकिन प्रोडक्ट में निकल को मत लेना क्योंकि वो सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो फिर पुट करते हैं इसमें, पुट करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल मेरा निकला 0.15
माइनस 0.059 बाई एन है टू लॉग ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट आया था हमारा इधर कैडमियम 2+ डिवाइडेड बाय निकल 2+ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा सेल रिएक्शन करना पड़ेगा फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे, ये कर सकते हो, नहीं तो और एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको नॉस्ट इक्वेशन में ये पुट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और उससे अगर आपको ऐसे में लिखना है, तो वॉट यू आर गोइंग टू डू, ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू बाय रिडक्शन वाला वैल्यू, यानी इसका आयन का वैल्यू बाय इसका आयन का वैल्यू, सेल रिप्रेजेंटेशन में इसका बाय इसका, और अगर रिएक्शन रहे तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो पुट कर दीजिए तो आएगा आप लोगों का 0.15 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ कैडमियम 2+ इज 0.409 बाय निकल इज 2 मोलर। ठीक है, अब लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग को सॉल्व कर लीजिए, जिनका कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं वो कैलकुलेटर यूज कीजिए, लेकिन बेटर होगा अगर कैलकुलेटर यूज ना करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको अलाउड नहीं करेंगे। तो लॉग दिस माइनस लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू आपको पता है 0.3010 और लॉग 0.4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, लॉग 0.409 माइनस लॉग 2 एंड यू विल गेट आंसर, लिख लीजिए, हम आंसर बोल देते डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 0.20 वोल्ट। चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपका ये आ रहा है क्या, 0.20 वोल्ट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, चेक इट वेदर यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट एंड कमेंट कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन लिखिए, कि अगर बाय चांस शी के साथ कोई कनेक्टेड है तब हम क्या करेंगे, शी का पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो शी के साथ क्या करेंगे, चिक 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 कोई ऐसा दे जिसमें आप लोग थोड़ा सोचना पड़े, एक ये होमवर्क लिखिए, एक होमवर्क ये है कि कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ मूव कर रहा है 0.1 मोलर, Ag+ aqueous Ag solid, ये आपको दिया हुआ है, E0 Ag+ Ag is equal to 0.80 volt, E0 copper 2+ copper is equal to 0.34 volt। ठीक है, आप लोगों को कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर और ई सेल भी दिया हुआ है, ई सेल की वैल्यू है आप लोगों की 0.8 और Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है 5.2×10⁻¹. ये तो होमवर्क आपके लिए। ठीक है, और एक लिखिए, और एक लिखिए, लिखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक करना जरूरी है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन खोजियो, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला जब ढूंढा जाता है तो आंसर नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं मिलता। ये कीजिए, डू दिस टाइप,
एडमियम कैडमियम 2 प्लस, ठीक है, 0.10 मोलर, एच प्लस 0.2 मोलर, एच टू, ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ई नॉट कैडमियम 2 प्लस कैडमियम का आपको गिवन है -0.403, बस और कुछ नहीं चाहिए, हो गया सब, कॉन्सेंट्रेशन में मिल गया। फिर इसको कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैसे करेंगे, ये आपका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपका कितना होगा, ई नॉट सेल मतलब छोटा सा सॉल्व करते, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनॉड, तो यहाँ पे कैथोड में कौन है, हाइड्रोजन, एनॉड में ये है, बड़ा माइनस छोटा भी करके कर सकते हैं, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है। आप लोग ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि H प्लस एच टू का कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, 0.0 वोल्ट होता है। तो कैथोड का वोल्ट है 0 वोल्ट माइनस इसका कितना है, ये रिडक्शन में ही दी हुई है वैल्यू एसआरपी, तो माइनस ऑफ माइनस 0.403, यानी आपकी आएगी 0.403 वोल्ट ई नॉट सेल, ठीक है। अब ई नॉट सेल पुट कर दीजिए 0.403, रिडक्शन में शीप प्लेस्ड किया हुआ है, तो 0.403 ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन कितना है, एन टू ही है, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, चेक कर लीजिए, एच प्लस से एच टू जा रहा है, एच प्लस से एच टू जा रहा है, तो 2 गेन ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हुए, 2 प्लस से प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 से 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो n कितना हुआ, 2 ही हुआ फाइनली। तो n इज इक्वल्स टू 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सिखाया, और एक क्या तरीका सिखाया, दिस बाय दिस कर देना, यानी 0.10 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही वाले केस में अगर मैं कुछ और लिख देती, आगे कर लेना, इस केस में मैं अगर आपको यहाँ पे एल्युमिनियम दे दूं तो आप लोग क्या करोगे, एल्युमिनियम सॉलिड से एल्युमिनियम 3 प्लस 0.1 मोलर, अब एन बताइए कितना होगा, अब एन भी बोलना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगी। देखिए एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 प्लस जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और एच प्लस से एच टू जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 2 और इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 और इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आपका रिएक्शन में नेट रिएक्शन में क्या आ जाएगा, इसके साथ इंटू 2 करेंगे तो 2 एल्युमिनियम प्लस 3 6 एच प्लस एरो 2 एल 3 प्लस 3 एच टू, ये आपका नेट सेल। तो जब ई सेल लिखेंगे आप, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, जो दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको ई नॉट सेल दे दिया गया है, ये जो मैंने नीचे वाला क्वेश्चन दिया उसमें आपको ई नॉट सेल दे दिया रहा है, ई नॉट सेल लिख लीजिए, नीचे वाला सेल का आपको दे दिया है 0.304 वोल्ट, तो आपको ई नॉट सेल यहाँ पे पुट कर लेना है, माइनस 0.059 बाई एन कितना पुट करेंगे आप फाइनली, 6 यानी 6 होगा यहाँ एन, ठीक है। तो एक ऐसा केस हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन टोटल पता किया, लॉग क्या भाई क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये भी करते तो दिस बाय दिस, लेकिन बच्चे कम से कम 60% बच्चे ये गलती करेंगे, बोलिए क्या बच्चे ये वाला लिखेंगे, दिस बाय दिस है ना गलत, क्या गलत है, गलत है आपका ये, यहाँ पे ये है कि एल्युमिनियम 3 प्लस के सामने 2 है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, एच प्लस के सामने 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो पुट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दिस, पुट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट
पावर में जाएगा, कंसंट्रेशन के पावर में जाएगा, भूलना नहीं ये वाला काम। अगर ये चीज आप भूल रहे हो पावर वाला, तो बहुत पूरा जीरो होने वाला नेक्स्ट इक्वेशन, तो ये चीज भूलना मत, ये पावर में चली जाएगी। ठीक है, ये जो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन आई है ये पावर में चली जाती है। और ये हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं होता है क्योंकि गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है प्रेशर, प्रेशर 1 atm नहीं लेंगे 1, और एल्यूमिनियम सॉलिड है उसका भी 1 molar, तो दिस वी डोंट टेक हाइड्रोजन 1 pressure नहीं, तो इनका जो रेशियो आएगा उसका आंसर आ जाएगा, जो ये 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 0.1 का होल स्क्वायर, या 0.2 का होल टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको भी आप लोग फिर फर्दर सॉल्व कर लेना। E नॉट सेल जितना दिया रहेगा -0.059/6, फिर लॉग पकड़ लेना, लॉग दिस 2 सामने आ जाएगा, 2 लॉग इसका जो वैल्यू है 0.1 - 6 लॉग इसका जो वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो इसको फर्दर धीरे धीरे सॉल्व करो, कुछ इसको करने के बाद, नर्स इक्वेशन करने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी थोड़ी बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिब्स फ्री एनर्जी की डेल जी का वर्क के साथ क्या संपर्क है, डेल जी का ये क्या रिलेशन है ई नॉट सेल के साथ, डेल जी और ई नॉट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, डेट इज डेल जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, वो सब चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका कोई डाउट हो तो जरूर मुझे कोई कमेंट सेक्शन में पूछो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सॉल्व आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 सम प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम नहीं तो 15 सम्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कुछ खुद भी करने पड़ेंगे। ओके, तो गुड बाय, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and subscribe this channel, Richa Educational Institute.